क्या आपको पता है रेड टू बाइक्स जिन्होंने इंडियन मार्केट पे राज किया 90s के अंदर? अगर नहीं आपको पता और आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो जरूर टू एंड तक देखिए, तभी आपको पता लग पाएगा। और अगर आपको पता है पहले से नाम तो आप कमेंट करके बताएं मुझे नाम, आपका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर फीचर करूँगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं ड्रीमर्स आज की वीडियो को। मैं हूँ अनिकेत पनवार और आप देख रहे हैं द ड्रीमर बुलेट चैनल। आवाज है यार, इस बाइक की आवाज़ ही हर किसी को बता देगी कौन सी बाइक है। RX 100 यामाहा की तरफ से, इसका यार अलग ही टोरा है अपना। अगर आप अपने घर में किसी से भी पूछोगे तो यामाहा उनकी भी फेवरेट रही होगी अपने एक टाइम में। इतने लोग इसको चाहते थे, इतने लोगों की ये आई कैचिंग बाइक थी, इतनी अट्रैक्टिव बाइक, क्लीन फास्ट पिकअप में बेस्ट और बहुत ही बढ़िया बाइक थी। इसके बाइक के इंजन पे इतना पिकअप होने की वजह से कई बार अलग अलग कंपनियों ने टेस्ट भी किया है, जो कि बहुत नंबर वन बाइक रही परफॉर्मेंस वाइज। ये हर चीज़ में बेस्ट, लुक वाइज कैसे भी देख लो आप, हर चीज़ में इसने बेस्ट दिया है अपना। और ये 90s की वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स में आती है और टॉप 5 लिस्ट में तो ये बनती है, चाहे मेरी टॉप 5 हो चाहे किसी और की टॉप 5 लिस्ट हो। यामाहा RX 100 आपको हर जगह मिलेगी। इसी के साथ हिसाब अपना जमा के रखती है, इसको कोई हटाने वाला ही नहीं अपनी लिस्ट से। इतनी बेस्ट बाइक में आती है हमारी यामाहा RX 100। इसी के साथ हम चलते हैं, नेक्स्ट बाइक हमारी आती है RD 350। ये भी यामाहा की तरफ से है और इसके लुक्स वैसे यामाहा के यार लुक्स आप कोई सी भी बाइक उठा के देख लो, कोई भी ये लुक के साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देख सकते इनकी बाइक में। एक से एक लुक आपको देखने को मिलेंगे इसमें। और ये हमारी पैरेलल ट्विन में एकदम लाजवाब 350cc बाइक, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बाइक, लुक्स में स्पीड में टॉर्क में हर चीज़ में इसको आप बेस्ट कह सकते हो। लेकिन इसका जो एंड हुआ यार बहुत ही ज़्यादा बेकार हुआ। एंड किस वजह से हुआ? एंड इसके यार माइलेज बहुत ज़्यादा कम था, सीसी बड़ी थी, इंजन बड़ा था, पावर बहुत ज़्यादा जनरेट करती थी, हर चीज़ में बेस्ट थी। तो उसकी वजह से इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा कि लो माइलेज हाई कॉस्ट सर्विस थी इसकी, जिस वजह से इसको सिर्फ डिसकंटिन्यू करना पड़ा इंडियन मार्केट में। पड़ना किसी भी चीज़ में यार आप उठा के देख लो, RD 350 बहुत ही बेहतरीन बाइक है, बहुत ही लाजवाब हर तरीके से, लुक्स वाइज बेस्ट एकदम, भागने में बेस्ट। और इसका भी अपना एक मतलब जो आपको ये बाइक में बता रहा हूँ ना, ये अपने टाइम की बेस्ट है, एकदम बेस्ट, इनको आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। और ये सिर्फ टॉप 5 लिस्ट है, इसको आप नंबर मत देना, मैं अपना कौन सी बाइक बता रहा हूँ पहले, ये कोई सी, ये सारी अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स हैं, इनको आप कभी नंबर वाइज नहीं दे सकते। तो ये थी हमारी नंबर 2 बाइक, अब चलते हैं हम अपनी नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आती है हमारी सबकी फेवरेट CD 100। हर किसी ने देखा होगा, हर कोई जानता है CD 100 के बारे में। हीरो होंडा की वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स में एक आती है और ये वन ऑफ द बाइक है जो 4-स्ट्रोक सिलेंडर में इंडियन मार्केट में लाई गई थी। और इसके लाजवाब जलवे, इसके लुक्स, हर किसी के पास ये होती थी। और ये सबसे बढ़िया इसके पता है, हीरो होंडा की बाइक आप ही मानोगे कि इंडियन मार्केट बाइक, इंडियन मार्केट में जो बाइकर्स है ना उनकी हर चीज़ को देख के बनाई जाती थी, लुक्स बेहतरीन, माइलेज, कॉस्ट, सर्विस, सारी चीज़ें आप इसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। आप इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, मतलब जो आपको एक बाइक से चाहिए ना वो आपको सब कुछ ही प्रोवाइड करती थी CD 100। और इसके अपने ही जवाब था जो कि हमारी टॉप बाइक्स में आती है। देखो यार मेंटेनेंस और बाइक एवरेज ये सब चीज़ भी हमें बाइक में देखनी बनती है, उसकी वजह से इस बाइक ने अपना पूरा दमखम दिखा के अपना अलग ही मार्केट बनाया है, तो उसको आप माना नहीं कर सकते। तो ये हमारी टॉप लिस्ट में जरूर आती है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नंबर 2 पे और ये वो उन बाइक्स में से है जिन्होंने बुलेट को टक्कर दी है, बुलेट की मार्केट को टक्कर दी है। ये हमारी रेसिंग का कह सकते हैं, इसके रेसिंग DNA इसके अंदर है, हमारी SD बाइक। और आज के टाइम में आप इसको दूध वालों के पास देख सकते हो, लेकिन अपने टाइम में ये बहुत ही बढ़िया बाइक थी जिसका कोई जवाब नहीं है यार। मतलब हर चीज़ में एकदम लुक्स में ये
देखो यार, जितनी भी रेट्रो बाइक अगर आपको पसंद है ना, तो आपको ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आएगी हमेशा। आप जब भी इस बाइक को देखोगे, उसके लुक्स, स्पीड, पावर, इंजन में इतनी पावर है इसके, तभी इसको आप इंडिया में जहाँ भी देखते थे वहीं पे ये रेसिंग में ज़रूर रहती थी। अगर कहीं इंडिया में रेसिंग बाइक्स का नाम लिया जाए ना अपने, तो आपको यसडी ज़रूर मिलेगी उसमें। उसमें यसडी का नाम आए बिना हो ही नहीं सकता कि वो रेसिंग बाइक आ जाए 90s में आपकी। तो इतनी बेहतरीन बाइक है हमारी ये यसडी की। इसमें भी अपने लुक से, स्पीड से, पावर से सभी के दिल पर राज किया है, और रनिंग में, रेसिंग में, हर चीज़ में बेस्ट थी ये बाइक। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी फाइनल बाइक पर, जो कि हमारी और आपकी सभी की फेवरेट, मेरी फेवरेट, मेरे पापा की फेवरेट, मेरे दादा की फेवरेट। तुम आप देख सकते हो कितनी जनरेशन से ये सभी की फेवरेट है। अगर किसी को एक बाइक पे आपकी बात बनती है ना, मतलब, तो वो बुलेट 350 पे ज़रूर आपकी बात टिकेगी अपने घर वालों से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना माने बुलेट स्टैंडर्ड को और आप ना मानो। ऐसी कोई अभी तक तीनों जनरेशन जो आ चुकी हैं उनमें मना नहीं कर सकता। मुझे भी पसंद है, मेरे पापा को भी पसंद है, मेरे दादा को भी पसंद है। इतना तकड़ा हिसाब है अपनी बुलेट स्टैंडर्ड 350 का, और ये लाजवाब बाइक है। इसी वजह से इसको मैंने नंबर 1 पे रखा है, और हमारा चैनल भी बुलेट स्टैंडर्ड पे बना है, तो इसको नंबर 1 पे रखना बनता ही था मेरी तरफ से। इसके लुक्स बेहतरीन, आवाज़ तो इसके कायल है सब। मतलब यार, एक्स्ट्रा पैसे खर्चा करते हैं हम की दुख दुख वाली साउंड के लिए, तो आप समझ सकते हो हमें कितना प्यार होगा अपनी बुलेट स्टैंडर्ड 350 से। तो ये थी आज की वीडियो, आपको टॉप 5 रेट्रो बाइक्स ऑफ 90s जिन्होंने हमारे दिलों पे राज किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाएं, कमेंट करके जाएं, और आगे आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।